यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पर डेप्यूटी सीएम का बयान उनकी घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इससे भाजपा की घबराहट और झुलझुलाहट साफ नजर आती है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। भाजपा द्वारा पहली बार अपमान नहीं किया गया है। भाजपा ने महिलाओं, गरीब मजदूर और किसानों को हमेशा से अपमान किया है। ये भाजपा के डीएनए में है, इस तरह की संकीर्ण मानसिकता का परिचय देना। लेकिन ये जितना भी घटिया बयान दें, जितना भी किसान मजदूरों का अपमान करें, कांग्रेस पार्टी का सेवा सत्याग्रह कभी बंद नहीं होगा, बल्कि और तेजी से बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आज एक बयान आता है। उस बयान में जिस तरह से आदरणीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, उसका हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और ये केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, ये संकीर्ण मानसिकता का एक परिचय देता है। और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जो झुलझुलाहट होती है, एक जो उनका मानसिकता है, वो उसका एक परिचय दे रहे हैं वो। और गरीब महिलाएं, मजदूरों, किसानों के प्रति जो उनकी जो मानसिकता है, उनका वो परिचय देते हुए आज उन्होंने साफ कर दिया है कि वो हमेशा से वो किसान विरोधी रहे, हमेशा से वो महिलाएं विरोधी रहे, हमेशा से ही वो गरीब मजदूर विरोधी रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो सेवा सत्याग्रह है, वो इनके बयान से रुकने वाला नहीं है, जबकि और भी तेज रफ्तार में सेवा सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही उत्तर प्रदेश में शुरू करेगा। और प्रदेश की जनता सब देख रही है, केशव जी आप देखते जाइए, आपका जो ये संकीर्ण मानसिकता वाला बयान है, उसका भी जवाब यहाँ प्रदेश की जनता आपको देगी। कोरोना काल में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा था कि मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, हमने उनका नाम प्रियंका गांधी से बदलकर ट्विटर वाड्रा रख दिया है। जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा को महिला विरोधी पार्टी करार दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ चैनल सैनी की रिपोर्ट।